जो ह्यूमन डेड बॉडी से बना हुआ है, पर अब वो पूरी तरीके से अबेंडेंड है और इस आइलैंड पर किसी भी विजिटर का जाना साफ मना है। और इसे दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का नाम दिया गया है। स्थित ऐसा मास्टरपीस है जिन्हें बनाने वाले ह्यूमंस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्रिएचर्स। 1898 में राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया एक ऐसा नोवेल जिसमें द अनब्रेकेबल शिप द टाइटैनिक के सिंक होने की प्रेडिक्शन पहले से ही हो रखी थी। मॉर्गन ने अपनी इस नोवेल जिसका नाम था द फ्रिक ऑफ द टाइटन में कुछ इस तरह से एक शिप की कहानी को बताया था जो नॉर्थ अटलांटिक के ओशियंस में एक आइसबर्ग के साथ टकराने के कारण समुद्र की गहराइयों में जा डूबी थी। उस शिप में करीब 2200 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे जिसमें से आधे लोगों की मौत हो गई थी। और ठीक 14 साल बाद द ग्रेट टाइटैनिक 1912 में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हूबहू उसी तरीके से उसी जगह पर डूबा। और इतना ही नहीं बल्कि टाइटैनिक में रिकॉर्डेड पैसेंजर्स की संख्या भी कुल मिलाकर 2500 थी। Isn't it shocking कि किसी इंसान ने सिर्फ एक आइडिया के चलते एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन में अगर आप जरा सी भी सिमिलैरिटी ढूंढ पा रहे हो तो मैं आपका ये मिथ अभी क्रैक कर देता हूँ। जैसे सिम्पसन्स के शो में हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स को देखा जो कि रियल लाइफ से मिलते जुलते पाए गए, इसी तरीके से इस नोवेल को भी राइटर मॉर्गन ने अपनी एक उम्दा इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए लिख दिया था। पर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि ये सिंपल सी स्टोरी है जो कि एक आम इंसान भी लिख सकता था। टाइटैनिक से रिलेटेड कई ऐसी थ्योरीज भी जुड़ी है पर क्या हम उन्हें सच मानते हैं? नहीं, क्योंकि द वर्ल्ड नोज कि द टाइटैनिक एक छोटी सी गलती के चलते ही टूट गया। जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था तब उसका सिग्नल मिस इंटरप्रेट हो गया था जिस कारण क्रू मेंबर ने राइट की जगह लेफ्ट टर्न ले लिया और टाइटैनिक सीधा उस आइसबर्ग के साथ जा टकराया। अगर टाइटैनिक को आगे ना बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया जाता तो वो इतनी जल्दी नहीं डूबता और शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। कई जिंदगियां बच जाती और कई रईस लोग आज भी रईसी का आनंद ले रहे होते पर डेस्टिनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। पिरामिड टेम्परेचर एक्सप्लेन्ड। पिरामिड्स इजिप्ट के रेगिस्तान के इलाके में स्थित ऐसा मास्टरपीस है जिन्हें बनाने वाले ह्यूमंस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्रिएचर्स यानी एलियंस हैं। पिरामिड के अंदर का डेफिनेट और कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भले ही बाहर कितनी भी गर्मी हो, भले ही बाहर कितनी भी सर्दी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। दुनिया के हर पिरामिड के अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल सेट है। जैसे मान लो अंदर कोई नॉब सेट किया गया हो या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम जानते नहीं है अभी। ये सुनने में ही किसी इंसान के इंटेलिजेंट का क्रिएशन नहीं लगता। अब एक मेजर क्वेश्चन यहाँ ये स्टैंड करता है कि फिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, मैजिक या फिर साइंस की अंडरस्टैंडिंग सेंचुरीज अगो लोगों में थी जिसने पिरामिड के टेम्परेचर को एक जैसा रखने का काम किया। ये मिथ फाइनली तब प्रूफ हुआ जब साइंटिस्ट के रिसर्चेस के दौरान उन्होंने डिस्कवर किया कि पिरामिड का कंस्ट्रक्शन ही उस तरीके से किया गया था कि उनमें इंसुलेशन बना रहे। पिरामिड्स में प्रॉपर वेंटिलेशन वर्क करता है पर फिर भी उनमें ना बाहर की हवा अंदर आ सकती है और ना ही अंदर की हवा बाहर जा सकती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान में पाए जाते हैं और हर एक मेन पिरामिड के टॉप पर एक मिनी गोल्डन पिरामिड लोकेट किया गया था जिसके कारण पिरामिड्स को स्पेस से भी देखा जा सकता था। पिरामिड्स को असल में हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं इसलिए वो हमें पॉइंटेड नज़र आते हैं पर यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पिरामिड असल में टॉप से फ्लैट है ना कि पॉइंटेड। आइलैंड मेड ऑफ डेड बॉडीज। दोस्तों दुनिया में आइलैंड्स तो आपने बहुत से देखे होंगे। अर्थ पर ऑफिशियली 900,000 आइलैंड है। नॉर्मली आइलैंड्स वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं या फिर अगर अर्थक्वेक जैसा कोई मेजर क्लाइमेट हैपन होता है तो आइलैंड क्रिएट होते हैं और कई बार ऐसा हो जाने से वो गुमनाम रह जाते हैं। पर क्या आप मेरा विश्वास करेंगे कि एक ऐसा आइलैंड भी है जो ह्यूमन डेड बॉडी से बना हुआ है? अगर इस आइलैंड को कहीं से भी खोदा जाए तो इसकी जमीन में ह्यूमन बोन्स मिलेगी। इटली के वेंस में वर्ल्ड फेमस आइलैंड के बीच ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर कभी लाइफ एक्सिस्ट किया करती थी पर अब वो पूरी तरीके से अबेंडेंड है और इस आइलैंड पर किसी भी विजिटर का जाना साफ मना है।
और इसे दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का नाम दिया गया है। इस आइलैंड का नाम है पुवेगलिया। माना जाता है प्लेग की महामारी के टाइम पर यहाँ पेशेंट्स की बॉडी को लाकर दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था, और उनमें से कई लोग जिंदा भी दफना दिए गए थे। करीब 5,05,000 डेड बॉडीज इस आइलैंड पर लाकर छोड़ दी गई थी। अब इस आइलैंड पर उन प्लेग पेशेंट्स की स्प्रिट भड़कती है। 2014 में इस आइलैंड को एक बिजनेसमैन द्वारा ओन कर लिया गया था और यहाँ एक बिग होटल प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट प्लान किया गया, पर उनका ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बीच में ही रोक दिया गया। वेल, आई होप ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। अपने कमेंट्स में मेरे को बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।